उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को अंतिम चरण में होने वाले मतदान के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गाजीपुर और सैदपुर में रोड शो किया। दिन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने सभी प्रत्याशियों के साथ गाड़ी में गाजे बाजे और हुजूम के साथ कचहरी स्थित सरजू पांडे पार्क में पहुंचकर कॉमरेड सरजू पांडे की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उपस्थित जनसमूह के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। का प्रोग्राम जो है गाजीपुर में था। यहाँ 7 विधानसभाएं हैं जिसमें से 2 विधानसभाओं के लिए वो उनका जो है रोड शो है। एक तो गाजीपुर सदर विधानसभा और दूसरा जो है ये सैदपुर विधानसभा के लिए है। वो सबसे पहले गाजीपुर सदर विधानसभा में आए और उनका ये जुलूस है जो रोड शो शुरू हुआ वो रौजा के पास से शुरू हुआ और रौजा से होते हुए महुआबाग से होते हुए घूमते हुए ये सरजू पांडे पार्क के पास और उनके माल्यार्पण के साथ उसका समापन हुआ है। जहाँ तक हमें जानकारी है आपकी 7 विधानसभा सीट पे जो है आपके उम्मीदवार लड़ रहे हैं। जी हमारे पार्टी ने जो है गाजीपुर के 7 विधानसभा पे उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं और आज जो है हमारे साथ जो है बाकी जो है 5 विधानसभा के ये प्रत्याशी आए हुए थे, हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो क्या लगता है आपकी 7 विधानसभा में कितनी सीटें निकलेंगी आपकी? देखिए मैं तो कोई जोशी नहीं हूँ, दूसरे के विधानसभा का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सदर विधानसभा में बहुत अच्छी फाइट है। यहाँ पे जो है बसपा जो है बिल्कुल फाइट में नहीं है और सपा की पोजिशन जो है इधर के जो है 3-4 दिन के अंदर काफ़ी तेज़ी से जो है घट रही है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमारी किसे, लेकिन जिसकी भी लड़ाई होगी वो उसकी आम आदमी पार्टी से होगी। तो बिहार के भागलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया जहां पर एक इमारत में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 3 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे में करीब 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पड़ोसियों का आरोप है कि मकान में बम बनाए जाते थे। भागलपुर जिले के तातारपुर पुलिस थाना क्षेत्र में यह धमाका हुआ है। इस घटना में 2 से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस बिल्डिंग में यह धमाका हुआ वो कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर थी। आशंका जताई जा रही है कि बम विस्फोट की वजह से धमाका हुआ। धमाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई है। फरखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में अंग्रेजी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीरें फरखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र की हैं जहाँ पर अंग्रेजी शराब पीने के चलते 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। अपने वतन वापस लौटने पर यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गए आशिफ ने बताया कि तिरंगे की वजह से वापस अपने वतन लौटा हूं। आशिफ यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गया था। यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला करने की वजह से आशिफ वहां फंस गया। आशिफ ने बताया कि विनिसिया सिटी में हंगरी बॉर्डर तक पैदल सफर किया, फिर हंगरी बॉर्डर से अपने वतन वापस लौटा। बस पर तिरंगा लगा होने की वजह से रूसी सैनिकों ने कुछ नहीं किया। प्रतापगढ़ के लालगंज तुलापुर की छात्रा संध्या सिंह यूक्रेन से सकुशल भारत पहुंची हैं, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं भारत पहुंची संध्या ने वहां के हालात और तबाही का मंजर बयां किया है, भारत सरकार का आभार भी जताया है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं जहां भारत की बेटी यूक्रेन में युद्ध के बीच फंस गई थी लेकिन अब वापस लौट आई है। ऐसे में परिजनों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। जहां एक तरफ यूक्रेन में कई छात्र फंसे हैं वहीं भारत सरकार ने भी उन्हें सकुशल भारत वापस लाने की कवायद तेज कर दी है। ऑपरेशन गंगा के तहत ऋषिकेश की एक और बेटी निशा ग्रेवाल अपने घर लौटी है। वहीं छात्रा के सकुशल भारत लौटने पर परिजन भावुक हो गए, जिसके बाद छात्रा, उसके पिता राजकुमार, माँ गीता देवी और भाई पीयूष नगर निगम महापौर अनिता ममगई से उनके कैंप कार्यालय में मिले और उनके माध्यम से PM राहत कोष में 25,000 रुपये डोनेट किए। स
सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ परिवार को, शुभकामनाएं देती हूँ उस बिटिया को निशा अग्रवाल को, और जो कि बड़ी खुशकिस्मत ये बिटिया है कि जो फर्स्ट फ्लाइट यूक्रेन से इंडिया आई उसमें सबसे पहले नाम निशा अग्रवाल का था, तो हमारे लिए सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आभार व्यक्त करती हूँ पूरे ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मजबूत इच्छा शक्ति से और जिस प्रकार के संबंध उन्होंने विदेशों में अपने कायम कर रहे हैं, जो अच्छे मैत्री संबंध उन्होंने विदेशों के साथ में बना के रखे, आज उसी का परिणाम है कि किस प्रकार से हमारे वहाँ से जितने छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो नागरिक वहाँ पे फंसे हुए थे, वो सकुशल अपने वतन वापसी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके एक दो दिन में लगभग सभी लोग वहाँ से वतन वापसी हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों के लिए सभी के लिए बधाई तो है ही है, शुभकामनाएँ हैं, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि एक वोट से क्या होता है, ये हमारे एक वोट की ही ताकत होती है और हमारा एक निर्णय ही होता है कि हम देश को किस हाथों में सौंप रहे हैं और कैसे नेतृत्व तो हम देश को प्रदान कर रहे हैं। हमारे उधर जो जहाँ मैं रहती थी वो चरणवीर सिंह है, वहाँ पे वो वेस्टर्न पार्ट में है, तो मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ अभी था नहीं, पर इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कदम उठाया कि वेस्टर्न पार्ट से बच्चों को ले जाएं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट हमारे बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है, और ऊपर से वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं था तो जल्दी बच्चे निकल जाएं, तो इसलिए हमारा ग्रुप वाइज हुआ, तो मैं मेरा लकीली फर्स्ट ग्रुप में ही नाम था, तो फिर 25th को मैं निकली और डायरेक्टली मैं वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर पहुँची, उधर बसेस सब इंतज़ाम अच्छे से था, उधर से मैं गई, उधर जो एयरपोर्ट था उधर एम्बेसी के लोग भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से हमारा पूछा, जो भी तुम्हें खाना पीना कुछ भी दिक्कत है तो मतलब वो पूरा हेल्प कर रहे थे। फिर उधर से फ्लाइट थी मेरी मुंबई की, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लाइट वहाँ मुंबई की थी, फिर वहाँ मुंबई से फिर मैं घर पहुँच गई।